बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और यहाँ पे मैं खालपोश का रुमाल बना रही हूँ, कलर यूज कर रही हूँ रेड, ग्रीन, वाइट और हुक यूज कर रही हूँ 1.0 mm। और ये धागा है 3-ply का। सबसे पहले यहाँ पे मैं वाइट धागा यूज करूँगी। यहाँ पे मैजिक रिंग बनाना है, ये भी इजी तरीका है। अगर आप इस तरह नहीं बनाते तो यहाँ पे भी ये इजी तरीका है रिंग बनाने का। यहाँ 1, 2, 3, 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे इस वूल को, यहाँ पे 3-ply की वूल यूज़ की है। 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद फिर इधर 1, 2, 3 यहाँ पे फिर 1, 2, 3 ये डबल क्रोशिया है, इसमें ट्रिपल बनाना है। 1, 2, 3 इसी तरह यहाँ पे 16 डबल चैन बनाने हैं। 3-3 मैं इसे बंद कर दूँगी। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 चैन बनाने के बाद हर चैन में एक डबल चैन, यहाँ पे 1 चैन 1, 2, 3 फिर 1 चैन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है 1 चैन के साथ। यहाँ पे 1 चैन बनाना है। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। मैंने 16 डबल चेन कंप्लीट कर ली। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पे 16 कंप्लीट कर लिए हैं चेन। अब इधर 1 चेन 1, 2, 3, 3 और 4 चेन बनाने के बाद इसके ऊपर 1 चेन फिर इधर 2 चेन फिर यहाँ पे 1 चेन 1 चेन के बाद इधर इस तरह ट्रिपल चेन बनाना है। 1, 2 इस तरह हर राउंड में 1 चेन 1 चेन के बाद 1, 1, 2, 3 इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरे डिज़ाइन आपको कैसे लगते हैं। 1 चेन 1 चेन बनाने के बाद यहाँ इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी इधर 1, 2, 3 में बंद कर दूँगी स्किप। यहाँ पे अब यहाँ पे 1, 2 स्किप करने के बाद इधर ले आऊँगी। यहाँ पर 1, 2, 3 चेन इस चेन के ऊपर, इस चेन के ऊपर बनाना है। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद फिर इधर फिर इसके एंड पे यहाँ पे 1, 2, 3 यहाँ पे 3 डबल चेन बनाने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे 1, 2 चेन बनाने के बाद 1, 2 और
चेन बनाने हैं, जैसे वन टू टू चेन बनाने हैं, वन चेन यहाँ पे, टू चेन और इधर थ्री चेन। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना था। यहाँ तक यहाँ तक बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे फोर है, टू बनाने के बाद वन थ्री और फोर हो गया। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये राउंड मैंने कर लिया है। इस राउंड में भी फोर डबल चैन, इसमें भी फोर डबल चैन। अब यहाँ पे वन टू थ्री थ्री में से वन कर दूंगी। अब इस राउंड में एक एक चैन को वन टू थ्री थ्री चैन बनाने के बाद वन टू थ्री यहाँ पे फिर वन टू थ्री यहाँ पे फोर हैं। अभी तक फाइव चैन बनाने हैं। एक चैन को इंक्रीज करना है हर राउंड में। अब एक एक चैन को बढ़ाते जाना है। यहाँ पे फोर है, इसके बाद फाइव, वन टू टू चैन बनाने के बाद वन टू थ्री, वन टू थ्री और इधर फाइव। यहाँ पे फाइव चैन बनाना है। ये राउंड इस तरह कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट कर यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स राउंड के साथ। अब यहाँ पे वन टू थ्री थ्री में से बंद कर दूँगी। यहाँ पे अब कटिंग कर दूँगी। इसके बाद ये ग्रीन कलर यूज करूंगी। हुक है 2.0 mm। अब यहाँ पे 1, 2, 3 चेन बनाने के बाद इसमें इस चैन को बनाना है। यहाँ पे वन वन टू थ्री, यहाँ पे फिर वन टू और थ्री, इधर पे वन टू थ्री। यहाँ पे टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन चेन है। यहाँ पे सेवन चेन बनाने के बाद वन टू चेन, फिर हर चेन के ऊपर एक एक ट्रिपल चेन बनाते जाना है। वन टू थ्री फोर फोर फाइव सेवन, यहाँ पे
सेवन डबल छः, फिर यहाँ पर वन टू, इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। यहाँ पे राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब ये दूसरा राउंड टू डबल चेन, फिर यहाँ पे वन टू थ्री, यहाँ पे फिर स्किप कर देना वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद फिर वन टू थ्री, वन टू थ्री, यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे वन टू चेन बनाने के बाद यहाँ पे वन वन टू थ्री फोर सिक्स सिक्सटीन, यहाँ पे सेवन चेन, सेवन डबल चेन, यहाँ पे एट डबल चेन। इस राउंड में एट चेन कंप्लीट करते हैं, करने वन टू थ्री, यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब रेड कलर यूज करूँगी, यहाँ पे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट चैन है यहाँ पे, ये राउंड एट चैन का, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट चैन में यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री चैन बनाने के बाद हर चैन के ऊपर एक एक चैन बनाते जाना है, वन और फोर फोर, यहाँ पे फाइव और सिक्स, सिक्स चेन, यहाँ पे वन टू थ्री फोर इधर बनाने हैं, अब यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद इसमें इन दोनों चैनों के दरमियान में वन टू, यहाँ पे फोर फोर चेन, इनको एक साथ निकाल लेना, फिर यहाँ पे वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद इसी में वन कर देना है, फिर यहाँ पे वन टू, टू चेन बनाने के बाद इधर वन टू फोर, इन फोर को एक साथ निकाल देना है, अब यहाँ पे वन टू चेन बनाने के बाद इधर कम रखूँगी। अब इसके बाद इन दोनों डबल चेन के यहाँ पे सेंटर में वन टू चेन बनाने के बाद फिर इधर वन टू थ्री और फोर चेन बनाने के बाद इन चारों को फिर यहाँ पे वन टू चेन बनाने के बाद इसी यहाँ पे थ्री चेन हो गए, और इसमें इस चेन में थ्री बनाने हैं, वन और टू, यहाँ पे
यहाँ पे स्टैंड में यहाँ पे वन टू और यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टोटल फोर है। हो गए साल निकालना, फिर वन टू टू चेन बनाने के बाद उसी में यहाँ पे फिर आप वन टू टू चेन बनाने के बाद इसी में यहाँ पे वन टू यहाँ पे फोर फोर चेन को एक साल निकाला, फिर वन टू टू बनाने के बाद इधर कर दूंगी, फिर इसमें यहाँ पे वन चेन यहाँ पे पूरा फ्लावर बन गया है। और यहाँ पे वन चेन बनाने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे थ्री चेन बनाऊंगी, वन टू टू और थ्री थ्री चेन। तो यहाँ पे वन टू चेन बनाने के बाद इधर वन वन टू थ्री और फोर फोर फाइव और इसी चेन में एक ट्रिपल चेन बनाना है। यहाँ पे टू बनाने हैं, अब यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये टू डबल चेन है, यहाँ पे फोर है, इसके बाद वन टू थ्री थ्री चेन बनाने के बाद इन दोनों चेनों को कवर करने इसके ऊपर पत्तियाँ बनानी है। यहाँ पे वन टू थ्री और फोर, यहाँ पे फोर है, फोर डबल चेन, इनको एक साथ निकालना है। यहाँ पे वन टू थ्री, स्टार्ट में मैंने टू चेन बनाए थे, यहाँ पे आप थ्री चेन बनाने हैं। टू चेन बनाने से कर्ली हो रहा है, ये खिंचाव सा हो रहा है फ्लावर में, इसी वजह से आपको दोबारा बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने टू बनाए थे स्टार्ट में मैंने टू बनाए थे, वो फ्लावर सही नहीं बन रहा था। अब यहाँ पे थ्री चेन बनाने हैं, वन टू, इस साइड पे टू और ये नीचे वाला थ्री हो गया, वन इसके ऊपर ये फूल से है, वन टू थ्री और ये फोर, यहाँ पे फोर चेन है, वन टू थ्री फोर, इन फोर हो गए। फिर यहाँ वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने से ये सही रह गए। स्टार्ट में मैंने टू चेन बनाए थे, वो थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है, ओपन नहीं ये फ्लावर हो रहा है, इसी वजह से आपको दोबारा बता रही हूँ। वन टू चेन बनाने के बाद आप इन दोनों चेनों के दरमियान जिसमें ये एक चेन में ये दो रेड बनाए थे डबल चेन, उनके अंदर वन सॉरी यहाँ पे वन टू, फिर इसी में वन टू, फिर इसी में वन और टू, वन टू थ्री, थ्री चेन बनाने के बाद इसी में वन कर दूँगी। अब यहाँ पे थ्री तक पैदल बनाए हैं, अब ये जो चेन का है इसमें यहाँ पे वन टू टू चेन बनाने हैं, फिर इसी में तीन और बनाने हैं पैटर, यहाँ पे वन वन टू और थ्री, वन टू थ्री, यहाँ पे थ्री चेन इधर वन कर दूँगी, इसको इधर थोड़ा सा कर लें, वन टू टू और ये डब चेन है नीचे वाला, एक थ्री चेन बन गया, यहाँ पे वन टू और थ्री और फोर, यहाँ पे फोर डबल चेन, वन टू थ्री। अब
इसको थोड़ा सा इधर कर लें, यहाँ पर टोटल हो गया 1 2 3 4 5 आया, यहाँ पे 6 बना लें, 5 और 6 इसी में 1 2 4 4 हो गए, 1 2 3 3 बनाने के बाद फिर 5 चेन लें। अब यहाँ पे ये देखो ये फ्लावर थोड़ा सा सही बना है, स्टार्ट में मैंने इधर बनाया था 2 चेन, यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव हो रहा है इस वजह से 3 से। माय गॉड, अब इसको इधर ले आना है इस साइड पे, यहाँ पे इधर 3 चेन है इनके ऊपर, ट्रिपल चेन बनाने हैं, 1 2 2 चेन बनाने के बाद 1 2 इसके ऊपर स्किप कर दूंगी, बंद कर दूंगी। अब यहाँ पे मेरे फ्लावर कंप्लीट हो गए, इनको हाथ से ऐसे सही करना है, फिर यहाँ पे मोती लगाने हैं, वाइट मोती लगा लें आपको जो भी पसंद है, येलो लगा लें चाहे वाइट लगा लें, अब इसके बाद वाइट धागा यूज करूंगी, वाइट यहाँ पे ये जो 2 चैन थे इनके दरमियान डिजाइन बनाना है, यहाँ पे 1 2 3 और सॉरी यहाँ पे नहीं, हाँ इधर चेन बनाने के बाद 2 बार धागे को लपेटना है, यहाँ पे 1 2 और 3, अब यहाँ पे 1 2 2 और 3 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाना है, 3 चेन बनाने के बाद इन तीनों को एक साथ यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही इजी है और कलरफुल है, आप अपने मर्जी का यहाँ वो लगा सकते हैं, येलो भी लगा सकती हैं। यहाँ पे ये देखिए उस प्लेट का है, सेंटर में ये प्लेट रखे, बाहर से बहुत ही प्यारे फ्लावर दिख रहे हैं, ये भी यहाँ पे बड़ी हेड के लिए भी रखे जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने मोती लगाए हैं, मोती इधर लगाने के लिए नीडल में ऐसे डालना है, फिर ऐसे डालकर अब इसको यहाँ बैक साइड पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरे डिज़ाइन आपको कैसे लगते हैं। बहुत ही प्यारा और सिर्फ प्लेट का अच्छा सुनवा बना है।